क्या दोस्तों आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? जब भी आप इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी को लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आपको बताता है इनकरेक्ट पासवर्ड। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर अपना यूज़र नेम टाइप कर दिया है और नीचे और यहाँ पर मैं पासवर्ड गिरने के बाद इसको अगर राइट करता हूँ इस तरह से लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप ये प्रॉब्लम कैसे सही कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल बटन भी जरूर दबा देना। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम को टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम को टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना यूज़र नेम को टाइप कर दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी एंटर कर सकते हो और अपना ईमेल आईडी भी आप एंटर कर सकते हो अगर आपके अकाउंट से लिंक है तो। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैंने अपना यूज़र नेम ही एंटर कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ दे सकते हो क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाओगे। अगर आपके फ़ोन में वही ईमेल आईडी वही नंबर आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है जिस फ़ोन में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को इस तरह से लॉगिन कर रहे हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक वेरीफिकेशन कोड आता है, वो भी आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा और आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये क्रिएट ए न्यू पासवर्ड पर ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई अपना नया पासवर्ड बनाना है तो चलिए यहाँ पर मैं अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेता हूँ। अब यहाँ मैंने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लिया है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐसा कर लेते हो, ध्यान रहे ये नंबर आपके फ़ोन में होना चाहिए और ईमेल आईडी भी, ठीक है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत ही आसानी से लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो चुका है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। ठीक है।